हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत कुमार, मैं इलाहाबाद का जो डिग्री हुआ है 26 जून को इवनिंग शिफ्ट में उसको शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री में 60 बच्चों को बुलाया जा रहा है डिग्री। तो स्टार्टिंग के 20 लड़कों का फर्स्ट ग्रुप बनाया गया था, उसके बाद 20 लड़कों का सेकेंड रूम में भेजा गया, उसके बाद लास्ट वाले 20 लड़कों को थर्ड रूम में भेजा गया। वहाँ पर उनका बैठा दिया गया है, चेयर उनके नंबर जो वहाँ पे था वहाँ पे पर्टिकुलर नंबर पे उनको बैठा दिया गया। वहाँ से उसके बाद वो चले गए और उसके बाद वहाँ पे चार ऑफिसर्स बैठे थे जो CBT 1, CBT 2, CBT 3 का बायोमेट्रिक चेक कर रहे थे और चार जो थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बैठे थे। स्टार्टिंग में हमें सीट पे बैठा दिया गया, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया था। डिक्लेरेशन फॉर्म में तीन थे, एक नॉर्मल फॉर्म था, एक डीवी डिक्लेरेशन था, एक आपको डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन था। तो हमने वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में जो जो भरना था हमने भरा, सीट नंबर, नाम वगैरह ये सब भरने थे। और उसके बाद हैंड रनिंग हैंड में एक डिक्लेरेशन लिखना था जो वो लोग पेज दिए थे, उसी पेज पर कुछ चाइना सही रिलेटेड एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को लिखना था। हमने हरनी हैंड में लिख दिया, पूरा हो रहा था तो ठीक था, पूरा नहीं हो भी रहा था तो भी करते, जितना हो रहा है उतना ही उसमें लिख दो। उसके बाद हम लोगों को फ़ोटो खींचा गया वहाँ पे, स्टार्टिंग में फ़ोटो खींच लिया गया और 5-6 फ़ोटो बना के हमें दिए गए, जिसमें से 3 से 4 यूज हो रहा है। उसके बाद हमें बायोमेट्रिक के लिए भेजा गया, बायोमेट्रिक में 4 ऑफिसर थे तो CBT 1, CBT 2, CBT 3 और CBT कम बायोमेट्रिक मैच कराया जाता था। जनरली 2 से 5 बार में सबका हो जा रहा था, कुछ लड़कों का नहीं हो रहा था तो उसको ज़्यादा बार ट्राई कर रहे थे। एक लड़का का तो कम से कम 40 से 50 बार ट्राई किया गया था लास्ट में और उसका फाइनली मैच किया था। और उसके बाद जो फाइनल जो चौथे ऑफिसर बैठे थे वो क्या करते, CBT 1, CBT 2, CBT 3 का सुपरविजन कर रहे थे कि उनका फिंगर इम्प्रेशन जो है लेफ्ट का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहाँ से उसके बाद हम लोग आते थे तो बोला जा रहा था कि सेल्फ अटेस्टेड एक सेट फोटो को, वो भी 10th 12th ITI और डिप्लोमा या BTEC है तो उसके सेमेस्टर वाइज जो भी मार्क्स हैं, और आपको जो साइन करना है, जो सेल्फ अटेस्टेड करना है वहाँ करना है जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे कुछ चीज़ लिखा ना हो। अगर मान लीजिए आपके फ़ोटो कॉपी में आगे भी लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है, तो पीछे आपको अटेस्टेड करना था, यानी से आपको साइन करना था। तो सेल्फ अटेस्टेड हो रहा था और एक सेट मांगा गया था और एक सेट एक्स्ट्रा वो लोग मांगे थे ताकि इमरजेंसी में आपको काम आएगा। उसके बाद तो वहाँ पे 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहे थे, फिर से 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहे थे, फिर से ITI का मार्कशीट सेमेस्टर वाइज और पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहे थे। और सब में आप लोग चेक कर रहे थे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये चार जनरली चेक कर रहे थे। उसके बाद स्कूल का नाम वगैरह कुछ वो लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कभी कभी कि इससे समझ जाए कि जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म उसके बाद जब फाइल दिए तो वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में ही हमें लिखना था CBT 2 का डिक्लेरेशन, जो हमने CBT 2 में डिक्लेरेशन लिखा था सेम टू सेम उसी का स्नैपशॉट वहाँ पे इस फॉर्म में था